आस्था का महापर्व छठ का महज 48 घंटा बचा है, लेकिन गंगा नदी के किनारे जहां छठ व्रतियों का स्नान होना है, जहां गंगा जल भरकर वो पूजन का कार्य करेंगे, गंगा का मिट्टी लाकर घरों में पूजन का कार्य शुरू करेंगी। अभी वह गंगा इस कदर गंदगी में है कि इसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कई गंगा घाट का आज निरीक्षण करने निकले बिहार विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने घाट का निरीक्षण किया। सभी घाट कचरा से भरा हुआ था और गंदगी फैली हुई थी। अभी लोग आकर वही गंदगी फेंकते दिख रहे थे। अपने घर, दुकानों और अस्पतालों की गंदगी गंगा में पड़ी है। महज 48 घंटे मात्र बचे हैं छठ पर्व के, लेकिन गंगा की सफाई, गंगा किनारे की सफाई अभी तक नहीं हो पाई है। नगर निगम शायद नरक निगम का रूप लेता जा रहा है। आपको बताते चले कि नगर निगम के पदाधिकारी सिर्फ फीता काटने में ही लगे रहते हैं। वहीं भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि मैं जिलाधिकारी एवं नगर निगम के पदाधिकारी से जल्द बात करता हूं और आस्था का पर्व छठ पर्व में जहां छठ व्रतियों के पर्व का अर्घ होना है, वह घाट इतना गंदा नजर आ रहा है, यह कहीं से भी सही नहीं है, यह जल्द दुरुस्त किया जाएगा। जहां तक संभव प्रयास होगी, अभी मैं जिलाधिकारी भागलपुर से एवं नगर निगम के पदाधिकारी से बात कर इसे सही कराने में लगता हूं। पीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। पत्थर कई घाट दलदल से भरा। वही तो मैं देखने आया था कि आखिर तैयारी क्या है। प्रशासन के द्वारा अभी तक जो अभी मैं आया हूँ, कोई तैयारी नहीं है। पूरा कचरा पछड़ा हुआ है, दलदल है, न तो उसमें बालू डाला जा रहा है, न सफाई किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं पूरा लगता है कि ये दोनों वार्ड जो यहाँ पे है, सबके कचरे लोग जनता गंगा में फेंकती है, गंगा का पानी दूषित हो रहा है। इसमें क्या पूजा हो रही है? इसका मतलब स्मार्ट सिटी में कचरे मोहल्ले से नहीं उठाए जा रहे हैं, लूट मचा हुआ है। और इसमें गंदगी कोई काम नहीं है। दो तीन दिन में यहाँ पर सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए सभी पूरे भाई बहन, बड़ी भीड़ होती है, लाखों की भीड़ होती है। मैं अभी सभी घाट देखूंगा, अभी बोर्ड से मैं सारे घाट का निरीक्षण करूंगा और जिलाधिकारी से बात करके इसको दुरुस्त कराने काम करें। किसी भी कीमत पर इनको 48 घंटे में इसको दुरुस्त करना है, ताकि माँ बहन आके सूर्य को अर्घ दे सके। क्योंकि यह छठ पर्व बहुत ही आस्था का पर्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। इसको किसी भी कीमत पर इसको सफाई करके दलदल में बालू डालकर ठीक करना है। प्रत्याशी अपने खानपुर पंचायत वासियों की छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।